हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं हूं पूजा और आज मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ कि आप कैसे इंस्टेंटली अट्रैक्टिव दिख सकते हैं वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए तो अक्सर हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े लेते हैं एक्सेसरीज लेते हैं बट वो अट्रैक्टिव लुक नहीं आ पाता है तो आज मैं वही आपको बताऊंगी कि आप कैसे अट्रैक्टिव लुक अपना क्रिएट कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए बट उससे पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना होगा तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं सो so, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जो मेरा फर्स्ट टिप है वो है हाईलाइट यो ब्राउज़ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फेस पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने ब्राउज़ को हाईलाइट करें अगर आपने मेकअप बहुत सारा कर लिया और ब्राउज को हाईलाइट नहीं किया है तो आपका मेकअप इनकम्प्लीट रहेगा वो लुक नहीं आ पाएगा जो एक अट्रैक्टिव लुक होता है तो अगर आपने बहुत कम मेकअप किया है बट आपने अपने ब्राउज को हाईलाइट किया है ना तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक होगा वो बोल्ड लुक क्रिएट होता है जैसे मॉडल्स का देखते हैं आप और या सेलिब्रिटीज़ का देखते हैं तो अपने ब्राउज को हमेशा हाईलाइट करिए जब भी आप चाहती हैं कि अपना अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिप है कि ऑलवेज अप्लाई लिपस्टिक ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है आपके फेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाता है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है अगर आपको बोल्ड का लिपस्टिक नहीं पसंद है तो आप न्यूट कलर की लगाइए वैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि बहुत सारे सेलेब्रिटीज़ हो या मॉडल्स हो वो हमेशा न्यूट कलर की लिपस्टिक लगाते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं तो अगर आपको बोल्ड नहीं पसंद है तो आप न्यूट कलर की लगाइए बट ये आपको पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा सो माय थर्ड टिप जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑलवेज़ स्मेल गुड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने अगर अच्छे कपड़े पहन लिए हैं बहुत अच्छा सा मेकअप कर लिया है आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं बट अगर आपके पास से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो अगर आपके पास कोई बात करने आएगा ना तो उसे अच्छी स्मेल नहीं आएगी तो वो आपसे बात करना नहीं पसंद करेगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट ये पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है कि आपके पास से अच्छी स्मेल आनी चाहिए तो आप अपनी पसंद का कोई भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम लगा सकती हैं अगर आपको परफ़्यूम से एलर्जी है तो आप बॉडी स्प्रे लगा सकती हैं लाइट फ्रेग्रेंस होती है नॉन अल्कोहलिक लीजिए ताकि आपको कोई भी उससे इरीटेशन ना हो और आपके पास से बहुत प्यारी स्मेल आए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपकी पर्सनलिटी को इन्हांस करने के लिए तो मेरी फोर्थ टिप है जो कि मेरी फेवरेट है कि आपको हमेशा अपने नेल्स को मेंटेन करके रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन रखिए और उनमें अच्छी सी नेल पेंट लगा कर रखिए अगर आप न्यूट कलर की नेल पेंट लगाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और थोड़ी सी भी हट जाती है तो पता नहीं लगता है अगर आपने बोल्ड कलर की लगाई है तो वो थोड़ी सी भी हटने पे आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है उतनी अच्छी नहीं लगती है तो हमेशा न्यूट कलर की लगा कर रखें ये आप के हाथों को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाएगा आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्स करेगा और आपको बहुत अट्रैक्टिव लुक देगा तो आप चाहें तो न्यूट कलर में आप सिल्वर लगा सकती हैं गोल्डन लगा सकती हैं कॉपर लगा सकती हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और आपके हाथों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखाते हैं तो मेरी फिफ्थ टिप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको अट्रैक्टिव दिखाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पंक्चुअल भी दिखाती है यानी आपको पहन कर रखना है वॉच तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी अच्छी सी वॉच ले लीजिए और अपने रिस्ट पर हमेशा बांध कर रखिए आप किसी फॉर्मल गेट टुगेदर के लिए जा रहे हों या फिर किसी कैजुअल गेट टुगेदर के लिए जा रहे हों अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वॉच पहन कर रखें यह आपको अट्रैक्टिव भी दिखाता है और आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी दिखाता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है तो मेरी सिक्स स्टेप है कि ऑलवेज टेम योर है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बाल बिल्कुल फ्रिजी ना लगें आपके बाल अगर फ्रिजी लगेंगे ड्राई लगेंगे तो वो उतना अच्छा लुक नहीं देगा और आपको उतना अट्रैक्टिव भी नहीं दिखाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बालों को अच्छे से कोम करके रखिए अपने बेबी हेयर्स को किसी वैक्स या जेल से उन्हें अच्छे से टेम करके रखिए ताकि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्पीक दिखें बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखें और आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल लगे आपके बालों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आप खुले करके रखिए बाल या फिर आप बालों में पोनी टेल कर लीजिए जो भी हो बट आप अपने बालों को मेनटेन कर करके रखिए अच्छे से अपने बेबी हेयर्स में जेल लगा के उन्हें अच्छे से टेम करके रखिए ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखाएगा आपको बहुत ज़्यादा प्रजेंटेबल भी दिखाएगा तो मेरी सेवन टिप है राइट right पॉस्चर अगर आपके सामने कोई स्लाउज करके खड़ा है और आपसे बातें कर रहा है अजीब तरीके से खड़ा है उसका राइट right पॉस्चर नहीं है ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल अनमैनर्ड दिखाएगा और वो अट्रैक्टिव लुक भी नहीं देगा तो आप जब भी किसी से बात करिए अच्छे से उसके आँखों में आई कॉन्टैक्ट करके बात करिए बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होइए या फिर आप बैठे भी हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए बिल्कुल भी स्लाउच करके या फिर टेक लेके ना बैठें वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है बिल्कुल अनमैनर्ड दिखाता है आपको तो आपको अट्रैक्टिव लगने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप राइट पॉस्चर में बैठिए लोगों से आई कॉन्टैक्ट करके बातें करिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये थी मेरी सेवन्थ टिप जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है तो मेरी एथ टिप है विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो आपको हमेशा मिनिमम ज्वेलरी पहननी है बहुत हैवी ज्वेलरी आपको कान में ईयर रिंग्स और बहुत ज़्यादा आपको ब्रेसलेट्स वगैरह नहीं पहनना है आप नॉर्मली कानों में छोटे से स्टार्ट पहन लीजिए जैसे कि मैंने पहना हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा आपको क्लासी लुक देगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो दिखाएगा ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करती हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी चाहे आप फॉर्मली किसी से मिल रही हो या फिर कैजुअली तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर